अब यहां पर आपको बताएं, टोबा टैक्सिंग में साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सरवर फाउंडेशन अस्पताल रजौना का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि सरवर फाउंडेशन अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि पहले बहुत मसरूफियत ज्यादा थी तो हॉस्पिटल जो है विजिट नहीं कर सकता था, तो अब माशाल्लाह हर महीने मैं दो दफा आता हूँ क्योंकि एक्सटेंशन का काम भी हो रहा है। और मुझे बड़ी खुशी है कि तमाम हमारी जो बेड्स हैं वो सारी फुल हैं और मरीज़ जो हैं वो बहुत खुश हैं। उनको डॉक्टर्स हमारे हमारी नर्सेज जो हैं बहुत अच्छे तरीके से लोग आफ्टर कर रहे हैं, और अल्लाह के फजल करम से हम बहुत जल्द इसकी एक्सटेंशन जो है वो भी स्पीडीली काम हो रहा है। एक्सटेंशन पे 50 बेड्स हम इस अस्पताल में और ऐड कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ इंशाल्लाह यहाँ नर्सिंग कॉलेज बनाएंगे जिसमें हमारी जो हैं बहनें और बेटियां हैं वो ट्रेनिंग लेके बाहर के मुल्कों में भी जॉब ले सकेंगी और पाकिस्तान में भी जॉब कर सकेंगी। सर, नर्सिस के लिए बाहर कितना स्कोप है, कितनी डिमांड आ रही है? देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो नर्सेज की है। एक एक मुल्क में हज़ारों नर्सेज जो हैं रिक्वायर्ड हैं, तो और ज़्यादा डेंटिस्ट जो है इंडिया से वहाँ जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को भी अब हम जितने भी डेंटिस्ट भी प्रोड्यूस करेंगे, नर्सेज प्रोड्यूस करेंगे, तो इनका बहुत रोशन मुस्तकबिल है बरतानिया में, यूरोप में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में। अच्छा, बिल्कुल। नर्सिंग कॉलेज के क्याम का फैसला बड़ा फैसला है, बिलाशुबा इससे रोजगार भी बढ़ेगा।